हेलो गाइस, आज मैं बहुत प्राउड के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने उनका एक भाषण सुना है जो कि उन्होंने लॉकडाउन 4.0 पे बताया। और जहाँ तक कि उनके भाषण का पूरा जो स्पीच था, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को लगता है कि जनरली बिजनेसमैन से रिलेटेड था, चाहे वो छोटे स्तर पे बिज़नेस कर रहे हो, चाहे बड़े स्तर पे बिज़नेस कर रहे हो, चाहे वो अपने किसान भाई हो, चाहे वो मछली पालन करने वाले हो, पशु पालन करने वाले हो। तो गाइस, आज का जो ये भाषण था उनका, जिसमें उन्होंने एक बिज़नेस मॉड्यूल के बारे में बात किया, इस बिज़नेस मॉड्यूल के बारे में सोच के ही मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे तो अभी क्योंकि ये डिस्क्लोज़ नहीं हुआ है कि इसके अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें आएंगी और ये कैसे कैसे चलेगा, जो कि अभी हमारे कल हमारे वित्त मंत्री जी हमें बताएंगे। लेकिन गाइस, बात ऐसी है कि पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने देश को एक सशक्त बनाने का काम किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो भी बिज़नेस हैं या फिर जो भी ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हमें बाहर से परचेज़ करना पड़ता है, उसे यहीं पे मैन्युफैक्चर करने की बात कही गई है इसमें। तो गाइस, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और क्योंकि मेरी एक पिछली वीडियो आई थी जिसमें मैंने अपने जिम के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, और उसके बाद फिर लोगों ने मेरा बहुत साथ भी दिया और बहुत लोगों ने मेरे को बोला भी कि आप पेशेंस रखो। और सच्चाई यही है कि अब जाके कहीं लग रहा है कि उसका कुछ रिज़ल्ट होने वाला है। और जहाँ तक बात है कि मोदी जी ने कहा था कि हम मास्क पहनेंगे और 2 गज की दूरी रखेंगे, लेकिन हम अपने काम को ज़रूर करेंगे, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लॉकडाउन 4 में जो है कुछ बिज़नेस जो है वो खुलने की आसार लग रहे हैं इसमें। तो गाइज़, ओवरऑल बात ये है कि जो हमारा देश है अब कहीं ना कहीं जाके वो चाइना की तरह बनने वाला है। मैं अच्छे सेंस में बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे चाइना में आप देखो कि उसका अपना पर्सनल गूगल भी है, चाइना में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो चाइना में बिकते हैं, बाहर के प्रोडक्ट चाइना में करीब करीब में ना के बराबर बिकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप दूसरे देश के अधीन नहीं होगे कि मेरे को वो प्रोडक्ट उनसे चाहिए ही चाहिए अपने देश को चलाने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि अब जाके बहुत सालों बाद, इसके लिए बहुत सारा कोशिश चल रहा था, लेकिन बहुत सालों बाद आज अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अब जाके इस पे कुछ काम किया है, जो कि बहुत अच्छा है। गाइस, तो आपको भी अगर इस लॉकडाउन 4 के बारे में और ये जो एक छोटा सा बिज़नेस मॉड्यूल मोदी जी ने दिया है, इसके बारे में अगर आपको कुछ बताना है या फिर आपकी कोई राय है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में अच्छे होंगे। जय हिंद।